बड़ा जी आप लोगों को दर्द हो रहा होता है कि वो कश्मीर में 1 साल से, पता नहीं 5 महीने से 6 महीने से इंटरनेट बंद है और वहां पे 2G चल रहा है और ये हो रहा है वो रहा है। वो तो खैर बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो है ही ऐसा ना, इंडिया तो हमेशा ये करता है मुसलमानों के साथ, इंडिया तो हमेशा ये करता है कश्मीरियों के साथ। लेकिन आप अजीम लोग क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? जो पाकिस्तान की पब्लिक है खास तौर पे, वो बहुत हद तक इस बात को समझ चुकी है कि किसी ना किसी न्यूज को दबाने के लिए इस तरह की चीजें सामने लाई जाती हैं, ताकि जो अभी पीछे पिछले दिनों चल रहा था कि लोग कह रहे थे, हमारे यहाँ जो आपको पता ही है कि एक पापा जॉन्स पिज्जा बड़ा मशहूर हुआ था, और उसमें जो थे वो जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब से पूछा जा रहा था कि वो बताएं कि उन्होंने इतनी सारी फ्रेंचाइज कैसे खरीदी हैं और क्या वाकई में पाकिस्तान आर्मी को इतनी लंबी पेमेंट्स होती हैं कि वो इतनी ज्यादा फ्रेंचाइज जो है वो पिज्जा की खरीद सके, वो भी जाके यूएस में और इस तरह से दूसरी कंट्रीज में। तो वो उनके ऊपर एक इल्जाम चल रहा था और अभी तक चल रहा है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तरह तरह के जवाब उन्होंने जो है, वो अहमद नूरानी जिन्होंने रिपोर्ट दी उनके ऊपर तो लगा दिए हैं और केसेस भी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसका वो कोई जवाब नहीं दे रहे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है, उनको उन्होंने एक रेजिग्नेशन दिया था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दिया था कि वो जो उनके एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं तो वहां से दिया था, लेकिन CPAC का पीछा उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो जो उनका रेजिग्नेशन था वो मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, आप जैसे काम कर रहे हैं आप काम करते रहें और हमें आप पे पूरा एतमाद है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ये राइट किसने दिया कि अगर किसी के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगे, इस तरह के करप्शन के केसेस सामने आए, तो वो किसी को कैसे ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं है और हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, आप काम करें? क्योंकि ये चीजें अदालत के डिसाइड करने की है। कब से ये चीजें प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ में ले ली है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बड़ा जी आप लोगों को दर्द हो रहा होता है कि वो कश्मीर में 1 साल से, पता नहीं 5 महीने से 6 महीने से इंटरनेट बंद है और वहां पे 2G चल रहा है और ये हो रहा है वो रहा है। वो तो खैर बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो है ही ऐसा ना, इंडिया तो हमेशा ये करता है मुसलमानों के साथ, इंडिया तो हमेशा ये करता है कश्मीरियों के साथ। लेकिन आप अजीम लोग क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना, आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आयाद बलोच को मार दिया गया, बिल्कुल दिन दहाड़े उसके माँ बाप के सामने। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप गायब हो गए, थोड़े दिन की न्यूज चली फिर वो भी गायब हो गई। वहां पे मिसिंग पर्संस जो है उसका क्या किया है आपने? कुछ नहीं किया। अब वो इसी तरह से लोग गायब हो जाते हैं, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके माँ बाप उनकी पिक्चर लेके सड़क पे बैठे रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो कवरेज कर सके, मीडिया वहां पे जा ही नहीं सकता अपनी मर्जी से। बलूचिस्तान में अभी गए थे हामिद मीर, गोलियां हामिद मीर साहब ने खाई है, वो दोबारा नहीं खाना चाहेंगे। तो इसलिए जब वो गए थे तो उन्होंने ये दिखाया कि क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है फौज ने, और फौज ने ये कर दिया है वो कर दिया, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं बताया कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनको पानी नहीं है पीने का, वहां पे बलूचिस्तान जैसी जगह पे भी इंटरनेट बंद है, वहां पे आम पब्लिक आराम से नहीं जा सकती। आपने मुझे अक्सर देखा है कि मैं फखर यूसुफ जई के साथ शोज करती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप इधर चले जाएं, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ उधर चले जाएं, तो शहर के किसी भी इलाके में वो चले जाते हैं और उसके बाद KPK के लिए भी वो तैयार है, लाहौर भी वो जाने को तैयार है। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे अभी कि हम फखर से रिक्वेस्ट करेंगे, फखर आप जरा बलोचिस्तान जाकर रिपोर्टिंग कर दें। क्यों? इसलिए कि हमें पता है वहां क्या होगा, या तो हमें उनकी मर्जी से काम करना होगा कि जो वो बता रहे हैं, जो वो अपने कारनामे गिना रहे हैं हम वही दिखाएं, लेकिन आम लोगों की बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी इजाजत नहीं है। वहां पे इतना ज्यादा आप लोगों ने होल्ड करके रखा है कि वहां की आम पब्लिक ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द ही बलूचिस्तान की विजिट पे जाएं और हम वहां से बिल्कुल सही सही पिक्चर आपको दिखा सकेंगे, वहां पे असल में
हो क्या रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो उनके यानी वहीं से सुई गैस और इस तरह की सारी चीजें वहीं से निकाल के पंजाब में पहुंचा देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देते जो वहां के मकामी लोग हैं। हमने बड़ा शोर मचा के रखा हुआ है जी सी पैक सी पैक सी पैक, तो सी पैक भी तो आप बलूचिस्तान साइड पे ही गवादर की तरफ ही बना रहे हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि उससे वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वहां से इसी तरह के लोगों को फायदा होगा जो उस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने जो है आपने ये नहीं कहा आसिम सलीम बाजवा से कि भाई जब तक आपके केसेस क्लियर नहीं हो जाते तब तक के लिए आप रिजाइन कर दें और आप हट जाएं इस प्रोजेक्ट से। वो पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट के साथ लगे हुए हैं और उनको खुद को भी ये महसूस नहीं हो रहा कि जी मुझे रिजाइन कर देना चाहिए जब तक मैं क्लियर ना हो जाऊं। ना पहले तो इमरान खान साहब कहते थे कि जी यूरोप में तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम भी लग जाए तो वो रिजाइन करके साइड पर हो जाता है और उसके बाद जब वो क्लियर होता है तभी आता है। तो जी वो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे वो चीजें, आप यहाँ पे क्यों आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आप होते कौन है कि आपने उनका रेजिग्नेशन जो है वापस कर दिया, क्यों किस किस लिहाज से, किसका पाकिस्तान का पैसा गया है ना बाहर, पाकिस्तान का ही पैसा खाया है ना उन्होंने, और अगर नहीं खाया तो वो साबित कर दे, सिंपल। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम कह रहे वो साबित कर दे कि उन्होंने सब कुछ नहीं किया। और उनकी जो यानी शाहजेब के शो में आके भी वो फोन रख के चले गए थे, तो फोन रख के कौन जाता है, वही जाता है ना जिसके पास जवाब नहीं होता। लेकिन खैर हम दोबारा आते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान के बारे में जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ कहा जाता है, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है, बहुत हद तक सही है। ये तो हम ही लोग हैं कि हम जाकर और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मुकर जाते हैं, वो हमारी भी मजबूरी है कि हम क्या करें, वहां जाके डिफेंड जो करना होता है। लेकिन आपने बलूचिस्तान को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो आगे आके बात कर सके, वो अपनी मर्जी से रह सके। आपने वहां वो क्यों इंटरनेट बंद किया हुआ, मुझे बताइए ना क्यों इंटरनेट बंद है बलूचिस्तान में, क्यों बलूचिस्तान में हयात बलोच और उस तरह के लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं दिन दहाड़े सड़क पे और कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ गए वो अहलकार जिन्होंने गोली मारी थी, कहाँ गए वो सब लोग। उसके बाद आप लोग करते क्या है, एक और नया युद्ध खड़ा कर देते हैं ताकि सारा ध्यान उस तरफ चला जाए और पीछे से जो आपकी करप्शन, जो चोरियां और जो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें जो आप लोग करते हैं बलूचिस्तान में और बाकी के सारी कंट्री में, उसके ऊपर लोगों का ध्यान ही ना जाए। इसीलिए आपने जो है ये ताकि ये सारी करप्शन केसेस और सारा कुछ बलूचिस्तान में जो गलत हो रहा है उसके ऊपर कोई बात ना करे, उसके लिए शिया सुन्नी फसादात खड़े कर दिए हैं जो कि पहले बहुत हुआ करते थे। और तब भी उस जमाने में भी यही रीजन होता था कि कोई ना कोई न्यूज होती थी जिसको दबाना होता था। और अभी भी मैं लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग ध्यान करें और आप लोग देखें कि ये जो शिया सुन्नी झगड़े चल रहे हैं और इसको जितनी हवा दी जा रही है तो असल में मेन स्टोरी क्या है, आखिर गवर्नमेंट कौन सी बात छुपाना चाह रही है, गवर्नमेंट क्या चीज ऐसी है जिसको हटाना चाह रही है न्यूज चैनल्स में से ताकि उस पर बात ना हो। कितने दिन बात की है हमने ये जो पापा जॉन्स पिज्जा करप्शन के ऊपर, कितने दिन बात हुई है आप काउंट करके देख ली, शायद एक हफ्ता भी बात नहीं हुई है। उसके बाद शिया सुन्नी शुरू हो गया, उसके बाद वो मोटरवे, मैं कह रही हूँ बहुत गलत हुआ है मोटरवे लाहौर मोटरवे पे जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन इस सारी चीजों में जो है ये करप्शन केसेस जो है वो हर हाल में आगे ही रहना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। हमारे टीवी चैनल्स को भी बलूचिस्तान पे बात करनी चाहिए, जो वो नहीं करते वो इधर ही इधर इस्लामाबाद लाहौर और कराची की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसी में गोल 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 घूमते रहते हैं। उसके बाद अगर इन्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर ये इधर उधर से किसी ने कोई वीडियो बनाई है या किसी ने कुछ किसी इंडियन ने अगर कोई वीडियो बनाकर रिलीज कर दी है, कोई इस तरह की कोई बात कर दी है जो इनको लगता है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है, तो ये उस पर शुरू हो जाते हैं। मतलब वो भी एक नॉन इश्यूज होता है लेकिन खैर ये उस पर शुरू हो जाते हैं ताकि मेन जो रीजंस है, मेन जो प्रॉब्लम है करप्शन की और जिसमें के हमारे इदारे तक शामिल हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, हमारे जो एक्स आर्मी मैन है वो शामिल है, हमारे पॉलिटिशियन शामिल है, हमारा इवन सर हर डिपार्टमेंट से लोग जो हायर पोजीशन पर है वो है, जितने नीचे पोजीशन पर है चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो चाहे कोई हो, उस बेचारे का कोई लेना देना नहीं है। उनको तो उन्होंने सिर्फ शहीद कराने के लिए रखा होता है कि उन्हें बॉर्डर पे भेज देते हैं और खुद बैठ के यहाँ पे खा रहे होते हैं,
फौजी सीरियल और फौजी ये और फौजी वो, तो उसके बाद जब कोई कुछ बोले तो जी कैसे बोल दिया, आप तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो गद्दार हैं। सबसे पहले गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है। जो जेंट्स होते हैं उनको तो खैर उठा उठा के ले जाते हैं सर, और फीमेल जर्नलिस्ट जो है उनको कुछ नहीं हो पाता, तो उनको उठा के तो ले जा नहीं सकते, ये कि बड़ा नाम खराब हो जाएगा, तो उनको ये गोलियां मरवा देते कि ठीक है इसको गोली मार दो। अभी तक कराची में भी जो फीमेल जर्नलिस्ट थी उनको भी मारा गया, उसके बाद बलूचिस्तान में फीमेल जर्नलिस्ट जो थी उसको गोली मार दी, और इसी तरह से कई फीमेल जर्नलिस्ट है जिनको अभी तक ये गोली मार चुके हैं, क्योंकि अगर उठा के ले जाएंगे तो ज्यादा नाम खराब होगा ना, तो बेटर यही है कि गोली मार दो। और ये जो जो मेल जर्नलिस्ट होते हैं उनको उठा उठा के ले जाते हैं, या जिससे जिस पे भी इनको जरा सा भी गुस्सा आता है या इनको लगता है कि ये तो मतलब सच बोलना शुरू हो गया है, तो उसको उठा के ले जाते हैं, वो बेचारे वापस आके कहते हैं जी मैं तो नॉर्दर्न एरिया से लग गया था। आम पब्लिक अब ये सारी टैक्टिक्स भी समझने लगी है, कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को उठा के नॉर्दर्न एरिया में घुमा के लाएंगे, करके देख लें। अब तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की जो सच को समझने लगे, सच को बोलने लगे, इसलिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उन लोगों को बार बार उठाएं, बार बार गोलियां मारें, या बार बार इस तरह की कोई हरकत करें कि नॉर्दर्न एरियाज घुमा के लेकर आए। तो बेहतर यही है कि अपने आप को ठीक करें, अपने इदारों को ठीक करें, और पाकिस्तान का मजीद नाम ना खराब करें।